गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। और आज फिर हम लोग मिल रहे हैं हमारे एक और नए सेशन में, और आज का जो सेशन है वो भी बड़ा कमाल का है। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूँ जस फ्रॉम सेमिजस हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग थम्स अप कर दें प्लीज। अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है, क्योंकि बहुत जरूरी है आज का टॉपिक, और क्लियर आवाज के साथ होना चाहिए तभी समझ में आ पाएगा। ओके, प्रॉब्लम यह है कि पहले मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझे ये पता लगेगा कि आप लोगों को ब्लू ड्राइव में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से आज समझा पाऊंगा। और आज का जो सेशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, और आप लोग के सैलून के लिए बहुत काम आने वाला है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग सर करके भेजा है, और कुछ लोगों ने थम्स अप भेजा है, थैंक यू सो मच। और प्लीज 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 अपने अपने कैमराज ऑन करो ताकि मैं भी देख सकूं। यार, मेरा मेन मकसद पता है क्या है? आप लोगों को जूम पे बुलाने का। देखो, मैं लाइव कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब से भी कर सकता हूँ, इंस्टा भी कर सकता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पाता कि भाई आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम लोग वन टू वन बात करते हैं ना, तो मुझे चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग बैठ के निकाल सकते हैं। तो प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा। अच्छा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो यहाँ पर, इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम विद द ब्लो ड्राई, तो आपसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे आज। और अगर आप लोग साथ साथ, अगर आपके पास डमी है, ब्रशेज हैं, तो आप लोग वो सब निकाल लो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ड्रायर के बारे में बताने वाला हूँ, ब्रशेज के बारे में बताने वाला हूँ, बिग राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश, पैडल ब्रश। ओके, ये सब करते क्या है, क्यों होने जरूरी है, स्मॉल राउंड ब्रश क्या करता है, बिग राउंड ब्रश क्या करता है, इसके बारे में बात करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन पूछने वाला है, हाथ उठाइए तो मैं आपको करता हूं अनम्यूट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द ब्लू ड्राई आज का, क्योंकि हमारा ब्लू ड्राई, और मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, ये ब्लू ड्राई का जो सेशन है 2 दिन के लिए होने वाला है, फॉर 2 डेज। आज में पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये होगा 2 दिन में पूरा, इट इज गोइंग टू टेक 2 डेज। ओके, तो ये 2 दिन में यहां पर पोको पोको आज ओके, गुड पहली बार पोको नाम डाला हुआ है आपने। हाँ, कैसी हैं मैडम आप? मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ सर, बात है, आप सैलून में हो? सालन में। बिल्कुल, आई लव योर ड्रेस कोड। हाँ बिल्कुल, नीतूज ड्रेस कोड एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल, आई लाइक दिस, वेरी नाइस। और ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, और वो आपने बिल्कुल आप फॉलो भी कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड। और ये मुझे लग रहा है ये पहली सीढ़ी है आपकी हाँ सक्सेस की। अच्छा, आवाज आ रही है? नीतू मैडम बोल रही है, उनको आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है आवाज? अभी ठीक आई सर। अभी ठीक आई है। ओके, चलिए नीतू मैडम, जब आपकी तारीफ हो रही होती है तो आप सुन नहीं पाते। कोई बात सर, तारीफ नहीं सुननी चाहिए, कभी भी बुराइयां सुननी चाहिए। नहीं, सुननी चाहिए, शुरू करूं? चलिए बताइए नीतू मैडम, आज आपका क्वेश्चन क्या है ब्लो ड्राई को लेके? सर, मेरे को ब्लो ड्रायर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेरे हेयर कट्स का एक्चुअली इनहेंस नहीं कर पाती हूँ मैं ब्लो ड्रायर, क्योंकि जी अच्छा नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन है कि होल्ड नहीं हो पाता है, कि जैसे मैं ब्लो ड्रायर करती हूँ अच्छा, आपके तो पास ड्रायर और ब्रश है अभी? डू यू हैव अ ड्रायर एंड ब्रश? सर कैन यू होल्ड इट? आप किसी को अपना फोन पकड़वा दो, आपके मेरे ख्याल से हाथ में ही फोन है ना, स्टैंड फोन वगैरह हो तो मेरे स्टैंड पे लगा दो, और मुझे आप थोड़ा करके हाथ दिखाओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी सी। सर, अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है? जब तक हमारी नीतू मैडम सब अरेंज कर लेती हैं और उनका नेट भी थोड़ा वीक हो जाता है, तब तक किसी और को कोई क्वेश्चन हो, या तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे डालो, और या फिर अपना हैंड वेव करो। एनीवन, कोई है यहाँ पे जिसको कोई क्वेश्चन करना है? ओके मैडम, आप अपने आप को कीजिए अनम्यूट। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सुमन मैडम, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा। जी बताइए मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, जो ब्रशेस वगैरह खरीदेंगे, एक तो डेनमार्क की जो है वो मैंने देखी है नाइका पे, जी
सर वो उनके प्राइस तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतने ही होते हैं क्या, जैसे 1200 1300 कितने का? 1500 बहुत सस्ते हैं। एक ब्रश सर? आपका कितना टाइम चलने वाला है मुझे ये बताओ। अगर आपने सब ब्रशेस भी लिए, आपका बिग राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, हाँ एक पैडल ब्रश, अगर आपने डेनमैन का लिया, तो सारा पूरा कितने का बन रहा है आपका? व्हाट इज द अमाउंट? 4500-5000 में 4,500-5,000 रुपये महंगा लग रहा है आपको, जो आपको पूरे 2 से 3 साल तक हेल्प करने वाला है? सर अभी ये बात नहीं है, मैं ये पूछ एक रही हूँ बात कितना बताओ ही मुझे, होता है। आप एक चीज, आपने बोला ना बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, मैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप कोई सस्ता कंपनी का 500-700 रुपए का लेते हो एक ब्रश, तो अभी अगर आपने 4 ब्रशेज, या मतलब पेडल ब्रश को मिलाकर की बात कर रहा हूँ, 2 से 2,500 रुपए अगर आपने किसी लोकल कंपनी में दिए, और उसके बाद में वो आपका ना तो परफॉर्मेंस दे रहा है ना प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो पैसा वेस्ट है कि काम आ रहा है? हाँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं ठीक सस्ता बार बार और महंगा एक बार। तो अभी एक कंपनी है जो आपको इतना अच्छा काम करके दे रही है, मुझे कोई ये कंपनी पैसा नहीं दे रही उनके बारे में बात करने के लिए, बट क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छी चीज लो ताकि वो आपके आगे काम आए। ओके, सो आप बिल्कुल लें। और ये थोड़े ब्रशेस कंपेरेटिवली अदर कंपनीज थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन ये आपको बहुत काम आएंगे आगे फ्यूचर में, दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो आई फील आपको वो ब्रशेस लेने चाहिए। सर, मैंने ऑफिस के नंबर पे है ना स्क्रीनशॉट भेजा था ब्रशेस के प्राइस के साथ, अच्छा, ओके, कब भेजा था आपने? वो सर आज सुबह ही भेजा था, कल आपसे बात हुई थी ना क्लास में, जी उसके बाद मैंने सर्च करके भेजा था। अच्छा, कल रात को जो इंस्टा पे हमारी जो बात हुई थी, मैं हम लोग सबको हाँ बता दूं, हमारी सुमन मैडम जो है, हमारी इंस्टाग्राम की, जो 1 साल का हमारा कोर्स चल रहा है जो कि 5,000 रुपीज का है, जिसमें डेली रात को, मतलब मंडे टू फ्राइडे डेली मैं मिलता हूँ, जिसमें हमारी सुमन मैडम भी हैं, हमारी नीतू मैडम भी हैं, ये लोग हमारे बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। अभी दोपहर में भी लाइव आता हूँ, शाम में तो भी आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे राखी जी भी नजर आ रही है हमारी, वो भी हमारी रात की स्टूडेंट है। तो राखी जी, मैं अभी आपके पास भी आने वाला हूँ। अच्छा, वो अभी मैंने, मुझे दिखाया नहीं समृद्धि जी ने, एक बार दिखाएंगे तो मैं जरूर चेक करूंगा। तो मे बी आई वॉज लिटिल बिजी, सो आई कुड नॉट गिव यू लिटिल आंसर, मैंने देखा भी नहीं ना, उन्होंने बताया मुझे, बाकी एक बार मैं पता करता हूँ। ओके, क्योंकि उसके बाद फिर हम ऑर्डर कर देंगे ना, तो ये है जब हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी तो उसके साथ साथ आपके साथ ही काम यस यस, करेंगे। अभी आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, एक एक बच्चे का काम देखने वाला हूँ और वहां पे आपको कमियां बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जब इंस्टाग्राम पे आप करोगे तो आप अपने वीडियोस बनाओगे, मुझे भेजोगे, एडिटर साहब एडिट करेंगे, और आपको फिर हम लोग उसके ऊपर कमियां बताएंगे, कहाँ आपकी कमी आ रही है। ओके, 24 आवर्स भी क्लास देते हो ना, तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलता है सर, हम नहीं छोड़ेंगे यस आपकी यस। एक अब मैं, क्या क्लास। है कि हमारे जो यूट्यूब के भी बच्चे हैं, मेरा ये भी दिल है कि वो भी बच्चे साथ साथ सीखें, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही काम आने वाला है। हालांकि मैं इन लोग की प्रैक्टिस देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ये इंस्टा पे होते तो डेफिनेटली मैं इन लोग की प्रैक्टिस भी देख पाता, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ उनको की पॉइंट्स मिलेंगे, और उस की पॉइंट से वो अगर इम्प्रूव होते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है नीतू मैडम, आप अनम्यूट हैं, बताइए, और मुझे आप अपना ड्रायर और ब्रश होल्ड करके दिखाइए। अभी भी नीतू मैडम को आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे राखी जी हैं, राखी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? एम बढ़िया, आप बताएं ऑल वेल। अभी आपकी तबीयत कैसी है? सर? बेटर है, पहले से पहले काफी से बेटर है? बुखार बुखार नहीं है ना आपको अभी? बेटर। चलिए गुड, बताइए मैडम आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब आप सर बताना मुझे होल्डिंग में भी प्रॉब्लम है, मे बी जब हम कर्ल्स करके घुमाते हैं ना जो ब्रश को, जी। वहां पे प्रॉब्लम आती है, हेयर स्टिक हो जाते हैं, मतलब समटाइम एकदम जो प्रॉपर, जैसे जो एकदम प्रोफेशनली प्रॉपर चलाते हुए करते हैं ना, फास्ट फास्ट फास्ट, तो जी वो नहीं हो पाता है। मतलब मैंने प्रैक्टिस तो काफी की थी बट वो उतने अच्छे से हो नहीं पाता है। और फिर जब हम इनकर्ल्स करने के बाद आउटकर्ल्स के लिए हेयर को ऐसे ब्रश पे हेयर को मतलब डालकर जो फिर से आउटकर्ल्स करते हैं इनकर्ल्स के बाद, वो जी भी नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो बस वो प्रॉब्लम्स आती है उसमें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो है ना, हाँ इसके भैया, बगैर तो फिर मतलब प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा आपका। हाँ मेन यही है कि आपकी होल्डिंग सही आनी चाहिए। और अच्छा, आपके पास में ड्रायर ब्रशेस वगैरह सब है
हैव यू गॉट दैट ऑल? सर अभी तो मेरे पास नॉर्मल है, मुझे लेना है। मैं भी उसी का वेट कर रही थी कि एक बार आप जब बता देते ना कौन से ब्रश क्या है, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग मैंने लेते। बताया क्लास में आप लोगों को, डेनमेन का ब्रश लो आप, डेनमेन वो का तो है। ब्रश हाँ आप ऑर्डर करो डेनमेन का, क्योंकि आप लोग का सेशन अभी बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोग के हेयरकट से पहले हम लोग ये शुरू करने वाले हैं ब्लो ड्राई का। सो आई वांट यू एवरीवन टू बाय ऑल द ब्रशेस एंड पैडल ब्रश, ताकि आप लोग उसके साथ काम कर सकें। ओके बाकी आज ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो आप बने रहिए इस क्लास में। अच्छा राखी मैडम, आप लोगों के पास में तो पूरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास तो वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो देखा है आपने कि नहीं देखा है? नहीं, सर देखे हैं, कुछ वीडियोस तो देखे हैं मैंने, नहीं, बट अभी तो हाँ वीडियोस प्रॉब्लम नहीं, हुई है। प्रॉपर सर जो थियोरी का वीडियो है जो आज चलने वाला है वो तो आपके इंस्टाग्राम पे भी है ना, आपने वो देखा कि नहीं देखा? पूरी थियोरी है उसमें अभी कुछ और वो उसको 10 मिनट का नहीं वीडियो, देखा। टाइम ओके चला देखूंगी देखिए उसको अब आप। ब्लो ड्राई का है पूरा, और अगर नहीं है इंस्टाग्राम पे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी आपका आज। सुमन मैडम ने कल इन्फॉर्म किया था, तो मेरे ख्याल से काउंसलिंग वाला आपका आ चुका है हाँ इंस्टाग्राम सर पे, वो देखा तो आते थे। आपने यस सर देखूंगी। सुमन मैडम, देखा आपने काउंसलिंग वाला? सुमन मैडम सर लिखा देख लिया? ओके देखा चलिए, और किसी का को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई बात करना चाहता है? सर मिलन जी अपने आप को आप कीजिए अनम्यूट। वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर। हमको हेयर का क्लासेस भी ज्वाइन करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, और कल आपका क्लासेस ज्वाइन करना चाहते कर ही नहीं पाए। आप क्यों नहीं कर पाए? पता नहीं, हम जाके खोज रहे थे यूट्यूब में, मिला ही नहीं मेरे को। बहुत कोशिश की, नहीं हूं। आप नंबर लिखिए 9920537343, ये नंबर है ठीक आपका 9 2 0 5 3 7 3 4 3 ओके, ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो और उस पे लिखो मुझे हेयर की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी। वहां जी आपके पास में आएगा क्या क्या उसमें क्लास में आने वाला है, कैसे होने वाला है, उसी में आपको रूम आईडी भी मिलेगी। एक बार आपका हो गया आपको, उसी के बाद सर हम जूम में आपको ये इंस्टा में आपको ज्वाइन कर सकते हैं, कि ऐसी इंस्टा में ज्वाइन जितनी भी कर। वीडियोस हैं हमारी, जितनी भी अभी नई वीडियोस बन रही हैं, पुरानी वीडियोस हैं, जो हमारे क्लास की वीडियोस हैं, वो कम से कम 100 से 200 वीडियोस हैं अभी, उसमें डेली हम लोग हमारा डालते हैं, डेली हमारा काम इस पे आता है। हमारी जो रूम पे भी क्लास है जो रात को होती है 11:30 से 1 बजे तक, 1 बजे बोलने पर 1:30 से 2 बजे भी हम लोग रात को पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे रात को हमारी जूम आईडी पे नहीं आ पाते हैं वो इंस्टाग्राम पे दूसरे दिन सुबह उठ के वो पूरी क्लास देख सकते हैं। ओके तो आपको ज्वाइन कोई, ज्वाइन करने के बाद इंस्टा पे हाँ आप इंस्टा पे तो वीडियोस आपकी सेव है ही है, उस पे तो आप सब कभी भी कोई भी वीडियो देखो, उसमें स्ट्रेटनिंग का है, क्लास सर्कल ज्वाइन का करने के बाद ना है। सर। जी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 रुपये का, उसका यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी आपको भेजना है। जैसे ही वो एक बार टैली हो गया, तो टैली होने के बाद में आपको इंस्टाग्राम पे जो हमारा आईडी है वो आईडी आपको भेजा जाएगा, उस पे आप अपने इंस्टाग्राम आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप हमारी वीडियोस हैं वो सब देख पाओगे, और डेली डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रहेगी मंडे टू फ्राइडे लाइव। हम लोग बात करें जैसे अभी यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जी आई वॉन्ट टू सी योर, आई एम टेलिंग यू कि भैया ये की पॉइंट है, इसको ऐसा करो, लेकिन वहां पे आप लोग काम करते हो और मैं यहाँ बैठ के आपको आपकी गलतियां बताता हूँ, तो वो जी डेली सर तो उसमें। अच्छा रात को 11:30 बजे काम नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, आपको टास्क दिया जाता है, आपके पास जो भी टाइम खाली रहता है आप उसमें एक अपना, जैसे अभी हेयर कटिंग का चल रहा है तो आपको एक वीडियो बनाना है आपका हेयर कट का, सर आपकी गलतियां जो सीजर्स कैसे है, होल्डिंग कैसे है, कोम कैसे आपको चलाना है। ओके जब आपकी कमियां नजर आती हैं, जैसे एकेडमी में आप काम करते हो तो आपकी कमियां बताते हैं ना हम लोग आके, अरे मैडम आपने ये सही नहीं पकड़ा, या आप इसकी होल्डिंग ऐसे करो, या आप यहाँ पे सीजर, इसी तरीके से जब आप ब्लो ड्राई करते हो या और भी जो हमारे आने वाले हैं वो आप काम करोगे और उसमें हम आपको कमियां बताएंगे जिससे आप इंप्रूव करोगे। तो मेरा ये दावा है कि अगर आप अकेडमी में नहीं भी आए तो भी घर बैठे बैठे आपको परफेक्शन बनाने वाला हूँ, और ये 1-2 दिन की क्लास नहीं है, ये पूरे साल की क्लास, एंड यू विल बी इंजॉइंग अ लॉट। आप आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इंटेंसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत लर्न कर रहे हैं घर पे बैठे, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने टाइम के हिसाब से लर्न कर रहे हो, पूरा दिन सब काम करो, खाना वाना खा लो, साफ सफाई कर लो, अब रिलैक्स हो जाओ, अब आके क्लास। ओके तो दैट इज वाई 11:30 कोई आपका काम मिस नहीं होगा,
जो काम आप कर रहे हो आप करते रहोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं छोड़ सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके लिए भी आराम है। उनको खाली एक आइडिया चाहिए कि अगर वो ये कमी कर रहे हैं तो उनको खाली इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा आइडिया चाहिए, तो वो जी कर। सर, तो बच्चे अभी जैसे लड़कियां हैं, हाँ बहुत सारे बेटियों को भेजते नहीं, तो वो कहते नहीं आप मुंबई या किसी एकेडमी में नहीं जाएंगे, घर पे बैठो, तो सीखना घर पे बैठ के सीखो। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है कि घर पे बैठे 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 सीख रहे हैं। तो सबसे एक बेनिफिशियल क्लास इसलिए आप लोगों के लिए हो रही है ये, कि और इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, और इसलिए इतने सस्ते अमाउंट में कर रहा हूँ कि और कोई इस क्लास को समझे, इस क्लास को करे, ताकि आप लोग और आगे बढ़ सको। ओके, तो दिस इज जी हाउ। आप नंबर मैंने आपको दे दिया है, ऑफिस में आप समृद्धि मैडम से बात करें, आपको डिटेल्स भेजेंगे, और इमीडिएट ज्वाइन करो ताकि हम लोग रोज रात को मिल सके। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सुषमा रेड्डी मैडम जो हमेशा रहती हैं रेडी, सुषमा रेड्डी मैडम प्लीज। वो डेनमैन का हेयर ड्रायर एंड कॉम्ब्स बोले ना सर, आप जी, तो कहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं सर, कुछ आप साइट? अच्छी ब्यूटी शॉप पे ऑर्डर करो, वहां से मिलेगा आपको। और अगर आपको ब्यूटी शॉप्स का नहीं पता तो देन यू कैन गो ऑन, किसी भी आप जा सकते हो, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, और दैट्स द अगर रीजन आई एम नहीं है, आस्किंग आप कहाँ से हैं, यू आर फ्रॉम निजामाबाद सर, नियर टू हैदराबाद, हैदराबाद, नियर टू हैदराबाद। वहां पे कोई तो अच्छी ब्यूटी शॉप्स होंगी आपके यहाँ पे। सेम अगर पक्का नहीं बोल सकती हूँ ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं, ओके, उसलिए आल आप मुझे रात को क्लास में इन्फॉर्म करो तो मैं आप लोगों को तो नंबर दूंगा। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जाते हैं वहां से खरीदते हैं, तो मैं उनसे नंबर लेकर के आपको दे दूंगा क्लास में। तो आप उनसे फोन करके एक बार कंफर्म कर लो, अगर कुछ डिस्काउंटेड रेट में और सही आपको देते हैं, लेकिन पता कर लेना, मेरी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ लोगों को। तो आप मेरा नंबर कर देना, आप डायरेक्टली बात करना, आप बोलना भाई मुझे ऐसे ऐसे नंबर आपका कहीं से मिला है और आप मुझे बताएं, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, डायमंड का चाहिए, तो आप मुझे दे दें। ओके, तो आप मुझसे यस करो, अगर वहां से वो आपको मिलता है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। चलिए गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप करो, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे करूंगा आप लोगों से, तो मुझे ज्यादा पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, कितने लोगों को समझ में आया, जरा हाथ उठाओ एवरीवन। हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। टिल नाउ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेशन है ये बहुत छोटा सेशन नहीं है, इट इज अ वेरी बिग सेशन, और ये सेशन आप लोगों को एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, फ्रेशर है और वो लोग अभी कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ऑलरेडी जो बच्चे सैलून में काम कर रहे हैं उनके लिए की पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, तो उनका काम इंप्रूव होने वाला, दैट इज फॉर श्योर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्लासेस अभी हमारी चल रही है ना, ये क्लासेस सबके काम आने वाली है, जो फ्रेशर है उसके भी काम आएगी, और जो काम कर रहा है उसके भी काम आएगी, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है एकेडमी का उसके भी काम आएगी, जो ऑलरेडी काम कर रहा है सैलून के अंदर बहुत सालों से काम कर रहा है उसके भी काम है। ओके, चलिए यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, बताइए किससे बात करूं। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, लेट मी चेक, देर आर सम मैसेजेस। ओके, गुड 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 गुड। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे साइड में चैट बॉक्स पे आपके मैसेजेस भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उसको चेक कर सकूं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है जरा साइड में आप लोग लिख के भेजो, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइकिंग इट, आई जस्ट वांट टू सी चैट बॉक्स, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। थम्स अप से ज्यादा अच्छा है, आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के भेजो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइकिंग इट, एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस, यस 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 यस। ओके चलिए, यहाँ पर मैं किसको अनम्यूट करूँ, बहुत सारे लोगों ने हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच, आई कैन सी हार्ट्स देयर। आप लोग अपना अपना प्लीज, कैमरा जिनका बंद है आप लोग अपने कैमरा ऑन करो, यार बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच, देयर आर लॉट ऑफ हार्ट्स आर कमिंग, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग अपने कैमराज बंद करके बैठे होते, कैसे मजा आएगा बताओ मुझे। हाँ, मैं इतने स्ट्रैटेजीज लगा रहा हूँ कि मैं कैसे मिल पाऊँ आप लोगों से। हाँ, वैसे तो मिल नहीं पाते हम लोग, वर्चुअली मिलूं, कम से कम सामने से तो मिले। हाँ,
और आप हो के। चलिए नीलम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नीलम जी, मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। नीलम मैडम, कैसे हैं आप? सर। फाइन थैंक यू सर। जी, बताइए नीलम जी, कहाँ से हैं आप? यू आर फ्रॉम भूपुरा मैं कोटा रिपोर्ट। बूंदी राजस्थान। हाँ, बूंदी राजस्थान से आप। ओके, हाँ आप हमारे इंस्टा क्लास में भी हैं कि खाली यूट्यूब की क्लास पे है? ये आपकी यूट्यूब पे क्लास अच्छा, में। इंस्टा पे क्यों नहीं आए आप? हाँ, इंस्टा पे भी आओ, रोज रात को मिलो, फिर और ज्यादा मुलाकात होगी हमारी। हाँ, तो आप बिल्कुल आए उस पर। अच्छा नीलम मैडम, बताइए कि आपका अभी तक जो आपने सेशन देखा उसमें आपको क्या समझ में आया? सारी चीजें ही समझ में आई है। सब चीजें समझ में आ गई। ओके, आप मुझे यस बताओ सर। कि क्या क्या करना चाहिए, अभी तक जो भी आपने सेशन सुना है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या बताए। ड्रायर से संबंधित है सर। हाँ जी, आज की सेशन से संबंधित जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ उसमें से आप मुझे बताओ कि आपको ड्रायर में डूज एंड डोंट्स, जैसे मैंने बताया बहुत सारे डूज बताए, बहुत सारे डोंट्स बताए, क्या है जो आपको कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताओ। मतलब जब हमें किसी का क्लाइंट का ब्लो ड्रायर करना है, जब क्लाइंट सैलून में आता है तो सबसे पहले हमें उसका हेयर वॉश करना है। तो चाहे वो ओके, हेयर वॉश घर से करके आए या बोले, लेकिन हमें अपना जरूर करना है। जोरदार तालियां। हाँ एवरीवन प्लीज, जोरदार क्लैपिंग, बहुत कमाल की बात है, आपने नोट करी है। अच्छा, ये सब नोट्स भी बनाना नीलम मैडम। हाँ, ये सब नोट्स आपके बना पास रही हूँ सर, पूरी डायरी बन रही है। बात है, बहुत बहुत बढ़िया, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू, बहुत कमाल का टॉपिक आपने पकड़ा। उसके बाद में बताइए मैडम। हेयर वॉश होएगा। हेयर वॉश के बाद क्लाइंट को चेयर पे बिठाना है, वेट ड्राई मतलब वेट चेयर पे। फिर जी उसके बाद उनके बालों पे, जैसे अगर हमें कर्ल्स करने हैं तो जी मूज लगेगा, और अगर मतलब फ्लैट लुक देना है तो उसपे सीरम लगेगा। तो क्या उसी बात है। हिसाब से हमें सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन बना के अगर जैसे ज्यादा बाउंस देना है, तो जी अगर हम 0 डिग्री पे प्लेन करेंगे तो प्लेन होएगा, अगर हम 45 और 90 पे लेके जाएंगे बालों को और उसी से ब्लो ड्राई करेंगे तो बाउंस ज्यादा आएगा क्या और बात, उससे आगे फॉल भी बहुत अच्छा आएगा, ताकि अरे एक बार जोरदार जोरदार तालियां, बहुत बहुत बढ़िया नीलम जी। इससे क्लाइंट भी हैप्पी होएगा कि नहीं हमारे फॉल अच्छा आया है। और जी मतलब जो उसके अगर फ्लैट बालों में जो फ्लैट लुक आ रहा होगा पहले, तो जी उससे बाउंस आने से बाल हेयर उसके हैवी लगेंगे फेस के अकॉर्डिंग। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए, मैं किसी और से भी पूछ लेता हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर आपसे एक चीज पूछनी थी, फिर आप म्यूट कर दोगे। जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या सर अगर बात। जैसे ना किसी को सैलून में अगर किसी को मतलब स्टाफ की रिक्वायर्ड हो तो आप भेजते हो क्या उधर से? मैंने बिल्कुल, आप मुझे ऑफिस वाले नंबर पे भेजो आप। सुबह क्या है व्हाट्सएप भेजा था, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बाबा मैसेज ठीक है, कॉल की देख रही एक थी एक को दिन में कुछ। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप कभी आके देखोगे ना तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस कैसे आप लोग तो हैंडल। मैंने क्या सुबह मैसेज करा था, मैंने कहा वहां की कुछ प्रोसेस हो तो प्लीज डिटेल भेज दीजिए। तो जी फिर जी जी प्रोसेस कुछ नहीं है, अगर बहुत नोन रहते हैं तो हम लोग अपने जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट होके जाते हैं उन लोगों को बोला जाता है भाई वहां पे रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बात करनी है तो आप बात करो। अभी मैंने इसका एक और सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने इस बारे में बात भी की थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये सर भी। एक्चुअली मैं क्या है कि मैं अभी सीजन टाइम जैसे आ रहा है, अभी मैं पार्लर का न्यू सेटअप करने जा रही हूँ, तो जी, उसमें पूरी केमिकल वगैरह ये सारी ओपन करूंगी, तो मुझे क्या है एक ट्रेंड आपने लड़की की और बोल जरूरत दिया थी। और मेरे दिमाग में बात आ गई, मैं बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे सलोन वाले हैं जिनके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में मैन पावर की प्रॉब्लम है, पहला। दूसरा, क्योंकि मैं जो सारे वहां बच्चे पे रोडों जो पे जा रहे हैं। नीलम जी, एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दो आप। जो बच्चे, उनके भी प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने पास आउट किया तो उनको भी जॉब चाहिए, तो अभी इन दोनों का जो प्रॉब्लम है मैं बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। बीच बीच में ऐसे सेशंस करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ के पास आउट होने वाले हैं मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ उन लोग के साथ में, वो आपको अपने बारे में बताएंगे। तो जिन लोगों को स्टाइलिस्ट चाहिए वो भी आके जूम पे मिलेंगे, ये जूम पे ही करने वाला हूँ मीटिंग। और जितने बच्चे हमारे पास आउट होके गए हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, वो आपको अपने बारे में बताएंगे। तो आप अपने घर बैठे बैठे यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू ले सकते हो। हाँ, नंबर एक्सचेंज करोगे, इंटरव्यू लोगे और डेफिनेटली आपके पास में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन होने वाला है ये मैं वहां से शुरू करूंगा लाइव आपके जूम पे। मैं एक दिन पहले आपको अनाउंस करूंगा कि जिसको भी अपने सलोन में स्टाइलिश चाहिए, ये हमारे बच्चे हैं, ये पास आउट होके जा रहे हैं, तो यहाँ से बच्चे बताएंगे सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ से हूँ वहां से हूँ, अगर किसी का उनका मैच करेगा और आपको
स्टूडेंट का मैच करेगा तो डेफिनेटली, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ। और हफ्ते में ओके, जैसे जैसे वहां पे आप कलर करते हो हेयर कलर डबल शेडेड में, और मतलब कलर अच्छे आते हैं जिस तरीके से अपन प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे, ये बूंदी राजस्थान में कोटा इस साइड ये चीज नहीं चलती, तो मुझे उसी लाइन में आगे जाना था। तो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैंने नोट डाउन कर लिया है और ये बहुत जल्दी मैं आपका करने वाला हूँ, ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये बहुत अच्छी बात नीलम जी ने बताई अपना, और हम लोग के दिमाग में चल भी रहा था, मैंने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की है इस बारे में, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम को मैं बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ। जितने लोगों को भी स्टाइलिश चाहिए, जो भी हमारे यहाँ के बच्चे पास आउट होके जाने वाले हैं, डायरेक्टली आप लोगों से बात करें डायरेक्टली। हाँ, तो जितने बच्चे हैं वो भी हमारे चैनल पे आएंगे, मेरे साथ होंगे यहाँ पर, और वो अपने इंटरव्यूज देंगे, अपने बारे में बताएंगे, उधर से जिसको भी चाहिए होगा आप लोग उनको वहाँ पे अपने पास हायर कर सकते हो। बच्चों का भी फायदा कि बच्चों ने पास आउट किया और साथ के साथ उनको जॉब मिल रहा है, और आप लोगों को भी बेनिफिट है कि एक जने के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। तो वो उन लोग का ये रहता है कि भैया ये छोड़ के ना चले जाए, अभी सीजन का टाइम है, स्पेशली सीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आता है। मैं ये प्रॉब्लम आप लोगों का बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ, इसी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस आइडिया के लिए। हाँ, आप लोग के बहुत काम आने वाला है, जिन लोगों के सैलून चल रहे हैं स्पेशली उनके लिए। ओके, सो आप लोग टेंशन मत लो, अभी हमारी सर्टिफिकेशन डे है, उसी दिन लाइव करूंगा, सर्टिफिकेशन डे वाले दिन जितने भी बच्चे उनके साथ में आप लोगों से बात करूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा कहाँ जॉब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपसे बात। ओके, एक दो क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे मैं पूछूंगा, और अगर बहुत अच्छे आंसर्स दिए तो, जैसे आप लोग को पता है हमारे यहाँ पे जब आप आंसर्स अच्छे देते हो, और ये थर्ड डे होगा, ये पूरे तीन सेशन में आपका ब्लो ड्राई का होने वाला है, एक दिन में नहीं होगा, तीन दिन लगेंगे, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूंगा, और उसके बाद भी करूंगा। ओके, इन तीन दिनों में जो भी बच्चा मुझे यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जैसे अभी नीलम मैडम ने बहुत कमाल के आंसर्स दिए, इसी तरीके से जो बच्चे मुझे प्रॉपर आंसर करेंगे, नीलम मैडम का नाम अभी लिखा गया है, और जो बच्चे आएंगे जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो आंसर्स अच्छे करेंगे, टॉपिक्स अच्छे बताएंगे, उनको यहाँ से, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने गिफ्ट दिया था, हालांकि 500 रुपए थे, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं था, लेकिन गिफ्ट हमेशा गिफ्ट होता है, प्राइज जो होता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अभी अमाउंट इसलिए भेज सकता हूँ क्योंकि आप लोग सामने होते हैं, तो मैं कुछ आपको गिफ्ट लाके दे सकता था, लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत दूर बैठे हो तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू गिव यू। तो यही रहता है कि चलो जीपे से ही आप लोगों को एक एक अप्रिसिएशन में यहाँ से भेज सकूं। तो जो बच्चे तीन दिन में सबके आंसर्स प्रॉपर देने वाले हैं, उसको हमारे यहाँ से एक बच्चे को यहाँ से मिलेगा गिफ्ट, और देखते हैं ये आप में से कौन होगा, लेकिन ये उसी को मिलेगा जिसका कैमरा भी ऑन रहेगा, जो प्रॉपर सीखेगा भी, क्वेश्चन के आंसर्स भी देगा। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ, चलिए मिलाप मैडम आपसे ही करने वाला हूँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैडम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, चलिए बताइए आज आपने अभी तक जो सीखा है, आपने क्या सीखा अभी तक बताइए सर। कभी भी कोई भी कस्टमर हम लोग के पास जैसे काम कराने आते हैं सर, तो बहुत सारे कस्टमर ये होते हैं बोलते कि नहीं। मिलन मैडम, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। नो कस्टमर, देयर इज ऑलवेज अ क्लाइंट, बिकॉज़ वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, सो नेवर से कस्टमर। ओके, क्या बोलेंगे हमेशा? क्लाइंट आया, क्लाइंट ऐसा, क्लाइंट वैसा, क्लाइंट का ये, क्लाइंट का वो। नो कस्टमर, ओके, नो कस्टमर, ओनली क्लाइंट। ओके, चलिए बोलिए। जो भी सर क्लाइंट आते हैं वो तो बोलते हैं हमेशा कि नहीं हम तो हेयर वॉश करके आए हैं, तो जैसे आपने आज सिखाया, अब से हम लोग मैडम से अलग बताइएगा, नीला मैडम ने जो बोला वो बोला, नीला मैडम ने बात कर दी है क्लाइंट, तो सर यहाँ पे बहुत अच्छा चीज सिखाया कि कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है तो उससे हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अपने जो भी करना चाहेंगे, वो ब्लो ड्राई करना चाहे, आयरनिंग करना चाहे, तो पहले हम लोग उनसे बोलेंगे हेयर वॉश करने के लिए। हेयर वॉश करने के बाद ही सर हम लोग उनका कोई भी काम को लेंगे, कोई भी सर्विस हो, एब्सोल्युटली एनी सर्विस, तो वरना नहीं लेंगे, क्योंकि अपना काम अच्छा नहीं होगा अगर हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो अपना काम अच्छा नहीं होगा। अपने वो लोग का हेयर में ऑयल रहता ही है सर, जितना भी वॉश करके आते हैं क्लाइंट उनके हेयर में थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो तीन शैम्पू करते हैं जी, तो उसके बाद जब अच्छे से उनको हेयर वॉश करने के बाद हम लोग जैसे सीरम लगा के काम करते हैं सर। बहुत अच्छा बताया, और बताओ और कोई टॉपिक बताओ जो और बताया। और जो सर वो आपने बताया 0.0 पैसे होता है वॉल्यूम, अगर क्लाइंट को वॉल्यूम देना है तो हम लोग को 90 या 45 पे ही काम करना है, ताकि उनको अच्छे वॉल्यूम दे, क्योंकि आजकल सबके हेयर तो ग्रोथ होते नहीं है सर,
और सारे क्लाइंट चाहते हैं कि हमको हेयर वॉल्यूम चाहिए, कोई भी ब्लो ड्रायर में लोग वॉल्यूम खोलते हैं। कौन से ब्रश से वॉल्यूम ज्यादा मिलता है वो बताओ आप सर। ब्रश और आंवला ब्रश ब्रशेज हैं, कौन कौन से ब्रश है हमारे पास? तीन तरीके के, तीन तो ब्रश है सर। कौन कौन से ब्रश है नाम बताओ? ब्रश का तो नाम याद नहीं सर। अभी हमने बताया था बिग राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश। मीडियम राउंड और हेवी। हाँ तो ये बड़ा वाला हो गया, एक बड़े का भी बड़ा आता है। हाँ एक बहुत बड़ा आता है, लेकिन नॉर्मली तीन लेते हो तो बिग राउंड ब्रश, मीडियम एंड स्मॉल। ओके, इनसे ज्यादा बॉडी कौन सा देता है वो बताओ मुझे। हाँ बिग राउंड बैक ग्राउंड ब्रश सबसे ज्यादा बॉडी देता है। चलिए वेरी गुड नीलम मैडम, इसका मतलब आपने क्लास प्रॉपर देखी नहीं। इसका आंसर हम लोग दूसरे से पूछते हैं, दो मिनट आपको करते हैं अनम्यूट। यही प्रॉब्लम है, पता है क्या, मैं बार बार बोल रहा था तब भी आपने नहीं सुना। सरोज मैडम अपने आप को कीजिए अनम्यूट। ये है हमारी लास्ट क्लास की विनर जिनको मिला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर आप कैसे हैं? मैं कैसे लग रहा हूँ ये बताइए पहले। बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि हमेशा दिखते हैं सर। थैंक यू सो मच। कहिए सरोज मैडम, आपने आज ये जो पूरा सेशन अभी तक देखा, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स, जो डूज एंड डोंट्स मैंने बताया था वो बताइए। जी सर, जो सबसे पहले तो सर आपने बताया कि ड्रायर क्या है। जी कि तो ड्रायर जो आप ड्राई करने वाली चीज, जो ड्रायर, उसके बाद बताया कि वो कितने वाट का होना चाहिए। कितने वाट का होना चाहिए? वो 2500 वाट तो होना चाहिए, उससे ऊपर का होना चाहिए, लेकिन 2500 से नीचे नहीं होना चाहिए। जी सर। एंड उसके बाद आपने सर बताया कि अच्छी इसका लेना है, जैसे सेरेमिक इसका हो, कॉइल और उसकी टर्म लाइन और टाइटेनियम, तो जिसके पॉकेट के हिसाब से अगर ना कुछ कर सके तो एटलीस्ट सेरेमिक तो होना ही चाहिए, सेरेमिक कॉइल का। राइट। फिर उसके बाद सर डिग्री इसका, ब्रशेस का नॉलेज दिया आपने कि हमको ब्रशेस कौन कौन से होने चाहिए, तो ब्रशेस बताए आपने, बिग राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश एंड पैडल ब्रश। तो पैडल ब्रश जो है वो हमारे स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए या शॉर्ट हेयर पे यूज होता है, वो उनको जैसे बॉब हेयर कट वगैरह के लिए उसको ये करने के लिए होता है सर। जी। ऑल राउंड ब्रश जो है वो कर्ल के लिए होता है, जिससे बहुत अच्छे टाइट कर्ल आते हैं, होल्ड अच्छा होता है, कर्ल अच्छे आते हैं और बॉडी भी एंड बाउंस भी अच्छा आता है इसमें। और जो मीडियम राउंड ब्रश है उससे इन कर्ल आउट कर्ल अच्छे से होते हैं, एंड बिग राउंड ब्रश से सर फ्लैट लुक अच्छा आता है, मतलब अच्छा ही होता है उससे। उसके बाद आपने उसको होल्डिंग का बताया कि होल्डिंग कैसे करनी है कि 90 डिग्री पे नहीं। फिर उसके बाद आपने सर नोजल का भी बताया है इसका, कि नोजल जो है वो हेयर के हिसाब से सेटल करनी है, छोटी और बिग बड़ी नोजल जो उसमें लगाई है। तो नोजल जो आपका सेक्शन है वो उतना होना चाहिए कि नोजल में आ जाए, उतना ही आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए सेक्शन। फिर उसके बाद डिग्री का बताया कि 0 डिग्री पे आपके, अगर 0 डिग्री पे बाल आप लेते हैं तो फ्लैट लुक आएगा, 40 डिग्री पे लेंगे तो थोड़ा सा बाउंस आएगा, 90 डिग्री पे अगर हम लिफ्ट करते हैं तो और ज्यादा बाउंस आएगा, एंड और लिफ्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा बाउंस आता है बालों में, बॉडी एंड बाउंस। ओके चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभी मैं किसी और से भी पूछ लेता हूँ। बहुत अच्छा बताया एक बार हमारी सरोज मैडम के लिए भी जोरदार तक। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सरोज, आई एम रियली लाइकिंग इट द वे यू आर टेलिंग। यहाँ पे देखते हैं कोई और है जो आंसर देगा। यहाँ पे सैमेंजस ही लिखा हुआ, चलिए सैमेंजस जिन्होंने लिखा है वो अपने आप को करें अनम्यूट। जी मैडम, हैं क्या नाम है आपका? सर मैं राजस्थान से हूँ, नोहर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान से? हाँ। अरे बाबा, राजस्थान बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। हाँ क्या बात। हाँ जी। तो बताइए मैडम, आज का जो सेशन आपने देखा ब्लो ड्राई का अभी तक का, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, ब्लो ड्राई सीखना मतलब मेरे लिए एक जंग जैसा, लड़ने जैसा कुछ है, मेरे को समझ ही नहीं आता। ये इसकी अगर आप लोगों को टेक्निक पता लग गई ना, टेक्निक, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए। हर चीज की एक टेक्निक होती है, राइट? अगर हम लोग उस टेक्निक को फॉलो करें तो वो चीजें इजी हो जाती हैं। अगर वो टेक्निक फॉलो नहीं किया तो मुझे लगता है खाना बनाना ये बड़ा मुश्किल है ना, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम रहता है। हर चीज की एक टेक्निक है, किसका क्या काम है, कैसे होल्ड करना है, कैसे, तो वो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
3 दिन ये सेशन रहने वाले मैडम, और इन 3 दिनों में हमारा एक विनर होने वाला है और विनर को कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो अभी जो नीलम जी ने बताया और सरोज जी ने बताया और एक और मैडम से बात हुई थी हमारे यहाँ, तो मिलन मैडम से शायद बात हुई थी, इसके अलावा कोई और आपके पास में टॉपिक है कुछ और जो आपको दिमाग में आ रहा हो? इसके अलावा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया जितना आपने बताया था उतना। चटका नहीं लगना चाहिए, हाँ वो चटका एक्चुअली में वो आपने बोला कि वैसे और थी नहीं, हाँ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज आई हैव टोल्ड, आप प्रॉपर सुनो और इनके नोट्स बनाओ, हाँ क्योंकि सही कई बार क्या जो काम करते हैं ना हमारे रूट्स गिले रह गए, और रूट्स गिले रह गए तो फिर हमारा जो ब्लो ड्राई है वो प्रॉपर हो नहीं पाता। चलिए गाइस आज हम लोग लेते हैं यहाँ पे इजाजत और कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम, हाँ आप लोग कल आएंगे 5 बजे आएंगे, इसी आईडी से आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, इसी आईडी पे आओ, इसी से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं लेने वाला हूँ। हाँ 2 क्वेश्चंस और ले लेता हूँ मैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस, अगर किसी को 2 क्वेश्चंस किसी को पूछना है यहाँ पे। गंगा कुकरेजा जी के लिए मेरे पास में स्पेशल नोट आया है कि आपने गंगा जी को आंसर नहीं किया और गंगा जी को कुछ पूछना है। अभी यहाँ पे गंगा कुकरेजा जी शायद नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, गंगा जी का मैसेज आया था ऑफिस वाले नंबर पे, तो वो बोल रहे थे कि आपने सर मुझे देखा नहीं, अब मैं हाथ हिला रही थी मुझसे बात नहीं हुई, तो स्पेशल अभी मेरे पास मैसेज आया उनका कि सर गंगा कुकरेजा जी की बात करें कहाँ है, लेकिन अभी शायद वो मुझे क्लास में दिख नहीं रहे। ओके किसी का कुछ क्वेश्चन है, 2 लोगों को लास्ट लेने वाला हूं, उसके बाद में हम लोग करेंगे टाटा बाय बाय। यहाँ पे है हमारे रहीला मैडम, रहीला मैडम अपने आप को कीजिए अनम्यूट, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा रही ना मैडम आपको देखने के बाद। और उसके बाद मैं गीता खत्री जी से बात करने वाला हूँ, लास्ट टाइम बात नहीं हो पाई थी गीता जी से, रही ना मैडम के बाद गीता जी आप अपने आप को कीजिएगा अनम्यूट। जी रहीला मैडम कैसी हैं आप, हाउ इज गोइंग? गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू एज वेल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाउ इज यू नॉट कमिंग इन द नाइट क्लास? मैं आपको पहले भी बताया था कि वेडनेसडे और थर्सडे को मेरी कॉलेज में होता है, तो वो बड़ा मुझे फिर क्लास हो जाता है, तो आज मैं आई विल अटेंड टुडे इंशाल्लाह। अच्छा मेरे मेरा जो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वैसे ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ जो, लेकिन जब कभी हैवी जो कर्ली से वेवी से कलर जो हेयर होते हैं ना उनको मैं सीरम ही लगाती हूँ, या ऑयल स्प्रे ऑयल जैसा होता है सीरम वो भी लगाती हूँ, तो लेकिन वो फैलाव में बहुत जैसे हैवी से हो जाते हैं। अच्छा वो मुझे ऑफिस अभी रात को आप इंस्टा पे आने वाले हो आज? ये आप बिल्कुल अभी जी करो, आप मुझे जैसे आपका फाइनल लुक आ रहा है ना वो वाली फोटो भेजो आप, क्योंकि अभी वैसे तो आपका सेशन आने वाला है, यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस, आई एम गोइंग टू सी दैट, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई यू वेयर इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, व्हेन आई सी आई विल कम टू नो बेटर, राइट नाउ तो आई कैन जस्ट टेल यू कि व्हाट आर द की पॉइंट्स, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओनली आई एम टेलिंग यू द की पॉइंट्स राइट नाउ। प्रैक्टिकली व्हेन यू आर डूइंग इट इन द इंस्टा क्लास, सो देयर यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल एंड देन आई विल टेल यू Where are your mistakes and what you have to improve? Okay, so वो हम लोग उसमें बात करेंगे। आप मुझे फिर भी अपना एक लुक भेजो। So then I'll come to know. मेरे पास अभी इस वक्त पिक्चर ऐसी कोई नहीं है, लेकिन बहुत हैवी वेवी से। मैं आपको सबसे एक बात बोलूंगा, आप लोग कभी भी काम करते हो क्लाइंट्स के साथ में, always click a picture. Ask your client for a picture because later on you can see that. Okay, तो आप लोग को पता लगेगा, अभी जैसे रहीला मैडम बोल रही है she is from London, तो अभी रहीला मैडम बोल रही है कि वहां पे काम कर रहे हैं और अगर बाल बहुत ज्यादा ओवर बाउंसी हो जाते हैं तो समटाइम्स इवन द क्लाइंट्स दे डू नॉट लाइक इट, तो आप लोगों को इसीलिए वहां पे पता करने के लिए एक फोटो हो तो हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं कुछ अज्यूम करूंगा और उधर से कुछ और होगा। यहाँ पर हमारे पास नीतू जी, हमारी क्लास की विनर, मेरी बहुत फेवरेट एंड वेरी वेरी टैलेंटेड बच्चा। जी नीतू मैडम बोलिए क्या बोलिए। दिखाइए नीतू मैडम आपका ब्लो ड्राई, एक सेकेंड नीतू मैडम, एक मैं थोड़ा आपका स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ। वाह दैट इज सुपर वेरी नाइस, थोड़ा सा शाइन कम है लेकिन इट इज गुड वेरी नाइस, कर्ल्स आर गुड, आई एम हैप्पी, ओनली जस्ट मेकिंग लिटिल शाइन इन द हेयर, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइट इट वुड बी, तो लाइट थोड़ी कम लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम लाइकिंग इट, और डेंसिटी डेंसिटी भी अच्छी है, लेकिन मैं आपको देख रहा था, आज मैं आपको देख रहा था जब आप काम कर रहे थे तो आपने ड्रायर अपने कंधे पे क्यों रखा ये बताइए।
हाँ आदत है वहां सर, शुरू से वैसे ही मैंने करती बोला भी कि यहाँ पे कोई भी ड्रायर नहीं रखेगा, फिर भी नहीं आपका ड्रायर। सुनते नहीं सर अभी उसके सुनते। लिए स्टैंड लाना पड़ेगा ना सर, अभी एट प्रेजेंट तो स्टैंड अरे है तो नहीं। अभी अभी स्टैंड नहीं है तो बॉडी को खराब करोगे आप अपनी। यहाँ यहाँ पे पता है सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ जाता है। यू कैन यस नॉट डू सर, दिस। हाँ दिस इज द माइनस पॉइंट व्हाट यू हैव डन, बट अदरवाइज आई लाइक योर ब्लो ड्राई। मेरी और कोम और ब्रश सही चल रही थी, आपने अगर देखा That हो is, I have not seen. Only I have seen कि that you are putting here. तो मैंने वो आपको वो हाथ नहीं देखा, लेकिन मैंने ये जरूर देखा। तो मैंने ओके बताया सर, कि मैं बात करूंगा आपसे कि हाउ कैन यू डू दिस। और हालांकि ओके शायद सर, कुछ थैंक बाद यू में बोला मैंने या पहले बोला आई डोंट नो, लेकिन आप इसका ध्यान रखो कि आगे आप अपने कंधे पे ड्रायर को नहीं रखेंगे। देखिए बहुत सारे, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बड़े बड़े स्टाइलिस्ट, बहुत कमाल के स्टाइलिस्ट जो काम करते हैं, उनको भी मैंने कंधे पे रखते हुए देखा है। लेकिन अगर अपनी बॉडी को खराब करके अगर हम कुछ काम करें तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट वेरी गुड। सो इट ओनली बिकॉज ऑफ दिस आई एम सेइंग डू नॉट कीप, आपका ड्रायर अपने कंधे पे मत रखो। अगर आप ड्रायर अपने कंधे पे नहीं रखेंगे वुड बी बेटर। ओके चलिए, दो क्वेश्चंस पे हमारी बात हो चुकी है। अब हम मिलेंगे आपको कल कितने बजे, कितने बजे मिलेंगे? हाँ कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे, 4:45 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। 5 बजे मैं आप लोगों को मिलने वाला हूँ। आज है, कोई अनाउंस भी नहीं किया ना, तो भी आ जाना 5 बजे। इसके आगे का सेशन शुरू करेंगे। आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आप लोग सबको मिलने के बाद। आई होप आप लोगों को भी आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे। कहाँ कमेंट करना है आपको? यूट्यूब पे, ताकि मेरे को पता लगे, क्योंकि अभी ये इसको एडिट होने में टाइम लगेगा, शायद कल तक ये आ पाए यूट्यूब पे। लेकिन टिल द टाइम यू कैन सेंड योर, जो भी आज का जो वीडियो हम लोगों ने डाला था उसके नीचे आप कमेंट्स डाल सकते हो, आज का सेशन कैसा गया आपका फीडबैक डाल सकते हो, जहां पे मैं उसको पढ़ सकता। बाकी जिन बच्चों को रह गया, यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आई मिस्ड टुडे, मिस नहीं होने वाला, आने वाला है, यूट्यूब पे आएगा। हाँ लेकिन जो वीडियो शेयर किया गया था वो नहीं आया, जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। वो हमारे पर्सनल अकेडमी की वीडियोज हैं, वो आपको इंस्टा पे दिखेगी या हमारी अकेडमी में दिखेगी, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। बाकी जो हम लोग ने बात की है वो आप लोगों को कल शायद अगर एडिट हो गया तो आपको यूट्यूब पे नजर आ जाएगा। बाकी अभी लेता हूं इजाजत। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इसमें से मुझे सब विनर्स चाहिए और एक से एक क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। टिल द टाइम टेक केयर, और सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ का ध्यान रखो आप लोग, और बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सक्सेस आपके पीछे पीछे आ जाए। तो इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है with your fitness. Okay, guys, thank you. Bye-bye.